और यहाँ पर फुल्ली रेडी हो चुके हैं गाइस, यहाँ पर बस ब्रेक छोड़ने का देरी है। और 1 2 3 ओ 120 180 200 इतने जल्दी 200 300 ले लेगा गाइस, 300 हो चुका है, 350 ओ भाई साहब क्या स्पीड है, 370। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू ऑन द गेम प्ले वीडियो। तो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइकल गया था, मतलब माइकल को पता चला था, फ्रैंकलिन ने बताया था कि इस शहर में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है। ओके गाइस, तो इस शहर में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ था लॉस सैंटोस में, और हमें उसका कार चुराना था। वो सुपर कार लेके आया हुआ था गाइस एक कॉन्सर्ट में, और हमने काफ़ी मुश्किलों के साथ गाइस उसका फेरारी चुरा लिया था। और फेरारी को लेके गाइस माइकल अपना गैरेज में रख दिया था। उसके बाद गाइस मैंने लास्ट कहा था कि फ्रैंकलिन का लैम्बोर्गिनी किसी ने चुरा लिया है। उसके बाद फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा दुखी था, तो मैंने गाइस फ्रैंकलिन को प्रॉमिस किया था कि उसे एक नया कार खरीद के देंगे। ओके, तो फिर मैंने सोचा गाइस कि प्रीमियम डीलक्स मोटर शॉप में आते हैं और यहाँ से एक नया लैम्बोर्गिनी खरीदते, क्योंकि फ्रैंकलिन का फेवरेट और मेरा फेवरेट गाइस लैम्बोर्गिनी है। ओके, तो हमने गाइस $2 million में इसे ख़रीदा है गाइस। $2 million बहुत ज़्यादा होता है गाइस। अभी फ्रैंकलिन के पास गाइस एक नया कार इसे हम गिफ्ट देंगे, और माइकल के पास अभी पैसा ही मतलब नहीं बचा गाइस। उसने वो तो पहले से गाइस डेप्थ में धुआ हुआ था, और उसने ट्रेवर से गाइस उधार लिया था। अरे यार कौन मारे, एक सेकेंड मैं बात कर रहा हूँ यार, कोई मारे जा रहा है, इंट्रो भी देने नहीं देता। रुक तेरे को बताता हूँ, इसको तो मैं संभाल लेता हूँ। उसके बाद हाँ, ट्रेवर माइकल का दोस्त है गाइस, माइकल का। ओके, ट्रेवर भी इसमें मेन कैरेक्टर में आता है, और ट्रेवर से हमने पैसा लिया, उसे तो हम बाद में दे देंगे क्योंकि अपना दोस्ती है। और एक कार को गाइस मैंने फुल्ली मॉडिफाई करवा दिया है गाइस, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करवाया है। इसका मैंने फेवरेट कलर गाइस मैंने ग्रीन लिया, मेरे को काफ़ी सही लगता है यार सुपर कार में ग्रीन। उसके बाद गाइस इसका स्मोक देखो पीछे से, काफ़ी सही यार फॉग स्मोक निकल रहा है। उसके बाद इसका स्पीड मैं अभी तक चेक नहीं किया हूँ। इसका साउंड क्या मस्त लग रहा है यार, वो गजब है। इसको मैं टेस्ट करूँगा आगे, इसको आगे फ्रैंकलिन को गिफ्ट करते हैं। पर फ्रैंकलिन के पास यार एक प्रॉब्लम भी है, फ्रैंकलिन के पास गैरेज नहीं है इसको स्टोर करने के लिए। अगर वो इधर उधर रख के जाता है तो फिर इसका चोरी हो जाएगा, और इस बार मैंने चाहता कि चोरी हो जाए, इसलिए मैं इसको माइकल के गैरेज में रखूँगा जब तक फ्रैंकलिन कोई गैरेज ना ले ले या शोरूम ना ले ले। तो आगे हम चलते हैं, किधर चलते हैं, चलो चलते हैं कहीं पर भी, आगे इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं कहीं पर भी। रुको गाइस, माइकल के घर ही चलते हैं। उसके बाद इसको एयरपोर्ट में भी लेके जाएंगे टेस्ट करने के लिए। यार ठोक दिया, क्या बंदा है यार तू, क्या मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा यार, अभी तुरंत मॉडिफाई करवा के यार, दिखता नहीं है यार। फाइनली इसको हमने अंदर से मॉडिफाई करवा के ला चुका है, फिर से मैं $200 का खर्चा हो गया इस नूबरे की वजह से, फालतू ड्राइवर। अरे यार सेफ का ऑप्शन आ रहा है यार, रुको यार गेम के बीच में यार अच्छा नहीं लगता ये सब फालतू गिरी। रुको यार इसको ठीक करता हूँ। यार क्या स्पीड में चल रहा है वो भाई साहब, इसका कार का कंट्रोलिंग गजब है गजब। मैं फरारी से जो मैंने गाइस लास्ट एपिसोड में चुराया था उससे ज़्यादा रेटिंग दूंगा इसको, क्योंकि मेरे को काफ़ी सही लगता है ये कार, मेरा फेवरेट है। ओ भाई ख़त्म, ठोका सेट। अरे यार फिर डैमेज स्क्रैच पड़ गया होगा, अब मैं इसको फ्रैंकलिन को दूंगा यार, वो फिर रिपेयर करा के लाएगा। वैसे तो फुल मॉडिफाई है, बस मेरे को अंदर का कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इंटीरियर, तो इंटीरियर इसको हम या तो ब्लू में करवाएंगे, या तो फिर इसको रेड में करवाएंगे गाइस अंदर का, या फिर वाइट में करवाएंगे। ये तीन कलर में मैं करवाने वाला हूँ इंटीरियर अंदर का, अब देखते कौन सा सही लगेगा ग्रीन के साथ। पर मैं आउटर तो मैं चेंज करने वाला हूँ नहीं अभी, और आउटर मैंने चेंज कर रहा क्योंकि मेरे को सही लगता है कार। तो यार ये तो नॉर्मल रोड में सही चल रहा है, अब हाईवे में तो उड़ेगा गाड़ी, हाईवे में उड़ने वाला है, और एयरपोर्ट में मेरे को जाकर चेक करना है। अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, इसको मैं एक रेस देता हूँ ना यार मज़ा आ जाता है, एक इसको मैं एक रेस। अरे यार सामने भी अच्छा ही गाड़ी, ठोका यार, मैं दूसरे की गाड़ी देखते हुए अपना ठोक लेता हूँ। चलो कोई ना, रिपेयर तो करवाना ही है इसके सामने का एक गैस, और हेडलाइट टूटा है। इसको यार एक सही है, इसको एक बार रेस देने से बहुत तगड़ा पिकअप देता है यार, स्पीड तो काफी सही लग रहा है। ठुका मेरे से फालतू, मेरे को यार इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। कोई ना फिर भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे यार, उन्हें से नहीं चलता यार। फिर ठुका, बचा 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 इसका।
नहीं बोलना है। मैं मार दूंगा उसको, दिख के नहीं चलता क्या तेरे से? पुलिस बुलाएंगे, बुला पुलिस। हाँ मेरे को ये सब एपिसोड में पुलिस नहीं चाहिए, आ गया पुलिस पर आई डोंट थिंक मेरे पीछे आने वाले। मेरे को इस एपिसोड में सच्ची में पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। मैं इस एपिसोड में इस गाड़ी को चेक करने वाला हूँ, प्यारा सा गाड़ी को। आगे फ्रैंकलिन को कॉल करना पड़ेगा यार, फ्रैंकलिन को भी बुलाना पड़ेगा ना गाड़ी लेके, क्योंकि मैं तो नहीं चला रहा गाड़ी, मतलब माइकल तो नहीं चलाएगा, फ्रैंकलिन को चलाना है। पर यार अगले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन को गैरेज गिफ्ट करूँ। कब तक यार फ्रैंकलिन माइकल के घर में आके गाड़ी लेते रहेगा? माइकल भी अगर कुछ काम हुआ, गैरेज उसका ओपन रहता नहीं ऑल टाइम। यार माइकल का ही गाड़ी सही लगता है यार, ऑडी इसका सही है। तो यहाँ पर आगे इस गाड़ी को रखते हैं फटाफट से अंदर। और यार फेरारी क्या लग रहा है यार, फेरारी लैम्बो कॉम्बिनेशन, फेरारी लैम्बो का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल। ओ भाई साहब क्या लग रहा है यार, सच्ची बहुत तगड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर हम फटाफट से फ्रैंकलिन को कॉल कर देते हैं, जल्दी से हम फ्रैंकलिन को कॉल करके बुला लेते हैं। सब फ्रैंकलिन भाई अपना आ चुके हैं इधर। ओके अरे भाई साहब फ्रैंकलिन क्या भाई, क्या चोरों वाले कपड़े पहन के रखा है तू, किधर से चोरी करके आ रहा है? ओ इन्फर्नो, खबरदार जो तूने चोरों वाला कपड़ा बोला पिन को, तूने लास्ट एपिसोड में देखा नहीं मैं कैसे अकेले वन मैन आर्मी बन के सबको मार दिया था? और एक लैम्बो किसका खड़ा हुआ, एक गाड़ी चमकता है मत्तल, माइकल ने नया गाड़ी खरीदी और मुझे बताया भी नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे यहाँ पर फोन करके चलाने के लिए बुलाया है क्या? ए क्या गाड़ी है पर खुलत करके छोड़ दिया, ए क्या इंटीरियर है। अरे नहीं 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 फ्रैंकलिन तेरा ही गाड़ी है, माइकल ने तुझे गिफ्ट दिया, अरे तेरा ही गाड़ी है। मैं नहीं मानता। तो रहने दो फिर, नहीं मानते तो रहने दो, मैं ट्रेवर को दे दूंगा एक गाड़ी। ओए मेरी जबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दे, सच्ची मेरा कार है, वाह वाह वल्ला वल्ला वही, मुझे ये कार बहुत पसंद आती, थैंक यू इन्फर्नो थैंक यू, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मुझ जैसे गरीब के पास ऐसा कार। ओए माइकल 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग का इस फ्रैंकलिन का। चल कोई ना, चलो चलो चलो। तो गाइस हम लोग चलते आगे एयरपोर्ट, हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट। और मैंने इसका इंटीरियर जैसे कहा था मैं चेंज करवाऊंगा, तो मैं इसको ब्लू करवा दिया हूँ। यार इसका क्या क्या कार है मैं कुछ नहीं बोल सकता यार, काफ़ी गजब अजब गजब। इसका स्पीड देख के मेरे को मज़ा आता है, मेरे को फुल स्पीड में चलाना है एयरपोर्ट में। यहाँ पर तो मैं ऐसे आगे एयरपोर्ट देखता हूँ मैं किधर से जाना है, तो हम एयरपोर्ट में मार्क लगा देते। मैं निकला लैम्बोसियान लेके, मैं क्या ड्राइविंग करता, वे 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 क्या चल रहा है यार, वे गजब। मैं हाईवे में आ चुका हूँ, मेरे को कोई टेंट भाई तू क्या आ रहा है, मेरे को मारने आ रहा है क्या? निकल निकल। मेरे को मारने आ रहा था भाई, इन पन्ने को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। उस बेचारे के ऊपर मुझे दया आ रहा है सच्ची। तो यहाँ पर हम लोग हाईवे में आ चुके हैं, और यहाँ पर हाईवे में काफी सही चल रहा है कार, काफ़ी सही कार चल रहा है यार। मुझे स्पीड का तो बहुत स्पीड उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर इस कार काफ़ी सही चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है। बहुत स्मूथ है यार, बहुत स्मूथ है, एक बार भी इस बार मैंने ठोका नहीं है ना, बेकार बोला मैं, क्यों बोल दे बोलता हूँ। तो मेरे को यू टर्न लेना है यहाँ से, क्या यू टर्न मारा भाई, मैं क्या यू टर्न मारता हूँ, क्या ड्रिफ्ट मार के यू टर्न मारा। तो हम लोग फटाफट से एयरपोर्ट में चलते हैं यार, एयरपोर्ट में मज़ा आ जाएगा अलग लेवल। यहाँ पर अभी सही चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है यार कार, इस चलाने का अलग ही मज़ा आ रहा है इसको। फ्रैंकलिन और उसे ड्राइवर भी अच्छा है, फ्रैंकलिन माइकल के मुताबिक ठोकता कम है, भले यहाँ पर ठोक दिया उसने, पर यार उस माइकल के ऐसा एक्सीडेंट नहीं करता, आप लोग देख सकते हो यार माइकल के ऐसा एक्सीडेंट नहीं करता। फ्रैंकलिन बहुत अच्छा रेसर है, उसके साथ एक बार माइकल के साथ और उसके साथ रेस कराना चाहिए, वो भाई काफ़ी सही चलता है यार। इसको यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फाके रास्ते से लूँगा, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, इस गेम में ट्रैफिक का कोई तो वैल्यू नहीं है। वो भाई क्या बचा,
ओहो और गाइस एक बार मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ यार, GTA में आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे यार, GTA सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे बंदे मेरे से पूछते हैं यार कि फ्री फायर क्यों खेलते नहीं है, फ्री फायर की वीडियोस क्यों नहीं डालते। यार मैं बताऊँ ना यार, एक मिनट, ये सही था और मैं बता रहा हूँ था कि हाँ कि फ्री फायर मैं इसलिए नहीं खेलता गाइस, देखो यार 4 साल से एक ही गेम खेल रहे, अब वो गेम से हल्का फुल्का इंटरेस्ट जा चुका है, तो मैं फ्री फायर वैसे भी नहीं खेलता। तो अब सोचता हूँ गाइस कि नया नए गेम्स ट्राई करते, GTA जैसे खेल ले, उसके बाद मैं एक दो गेम सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूँ क्या गाइस, तो वो सब गेम्स खेलेंगे, भले वो सब भी गाइस ये सब गेम्स में भी अलग मज़ा है, फ्री फायर तो हम लोग खेलते ही रहते हैं। और बात रहा एनिमेशंस का गाइस, तो यार अब मेरे को टाइम नहीं मिलता, स्कूल स्टडीज़ वगैरह स्टार्ट हो गया तो एनिमेशन बनाने का अब टाइम मिलता नहीं है सच्ची बताऊँ तो गाइस, और मेरे को अब मज़ा भी नहीं आता एनिमेशन बनाने में, तो मैं गेम प्ले में डालने वाला हूँ इस चैनल पर। ओके तो यार प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार गेम प्ले को और GTA सीरीज़ को सपोर्ट करो। और हाँ गाइस मैं दो चीज़ में बोलना चाहूँगा, हमारा चैनल का गाइस आप लोगों के सपोर्ट के कारण हमारा चैनल गाइस फाइनली YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आ चुका है, मैं बताना भूल गया था। और लव यू गाइस, थैंक्स यार, बहुत ज़्यादा थैंक्स यार, मैं कभी सोचा नहीं था यार YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हम लोग इतना जल्दी नहीं मतलब आ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगा है मैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आने में। सो गाइस और चैनल में ज्वाइन का बटन भी ओपन हो चुका है, तो आप लोग चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हो इस चैनल का, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। ओके गाइस तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो हम वापस से GTA में आते हैं। हाँ तो मैं गाइस था यहाँ पर, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तो हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है और रात हो चुका है गाइस, रात में और मज़ा आने वाला है, तो रात में गाइस यहाँ पर मैं और मज़ा आएगा लैम्बो चलाने में, इसके लाइट्स नियॉन लाइट्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, आई थिंक पुलिस ना आएगा, नहीं आएगा आई थिंक, तो पुलिस ना आए तो चलिए अंदर चलते हैं, फुल स्पीड में चाहूँगा गाइस इस बार। ओवी क्या स्पीड है यार, काफ़ी सही चल रहा है, मैं सिर्फ ब्रेक मार मार के चला रहा हूँ। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है गाइस अपने इस कार को टेस्ट करने का, तो फाइनली यहाँ पर हम फुल स्पीड में यहाँ पर एग्जॉस्ट मारते हुए यहाँ पर फुल गियर में लेते हुए कार को, और यहाँ पर फुल्ली रेडी हो चुके हैं हम गाइस, यहाँ पर बस ब्रेक छोड़ने का देरी है। और 1 2 3 ओ 120 180 200, इतने जल्दी 200 300 ले लेगा गाइस, 300 हो चुका है, 350 ओ भाई साहब क्या स्पीड है, 370 300, यार यहाँ पर ब्रेक मारना पड़ेगा, क्या स्पीड में चला यार भाई साहब, क्या क्या ड्रिफ्ट मार रहा है, क्या गंदा ड्रिफ्ट मार रहा है यार। चलो फिर से एक बार स्पीड लेते हैं, 100 क्या जल्दी इसमें रेस पकड़ता है, 150 मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ अभी स्पीड पकड़ते हैं गाइस, 300 320 330 340, और यहाँ पर गाइस हमने ड्रिफ्ट मारा, गाड़ी गया कार गया, ओ भाई साहब क्या स्पीड में ड्रिफ्ट मारा गाइस हमने, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट लेवल ड्रिफ्ट था ये। और यहाँ पर फिर से हम एक बार स्पीड टेस्ट करेंगे, इस गाड़ी को मैं बाद में रिपेयर करवा लूँगा पर मैं इसको फुल यूज़ करने वाला हूँ अभी, 300 फिर से चलाइए, 300 नॉर्मली ही चला जाता है गाइस, गाइस ये नॉर्मल रोड में 300 चला जाता है, इसको हाईवे में चलाएंगे तो और स्पीड चलेगा, गंदा ड्रिफ्ट मार रहा हूँ यार, बहुत तगड़ा ड्रिफ्ट है मैं खुद बोल रहा हूँ। यहाँ पर 400 चला जाए, बस 400 चला जाए, मज़ा आ जाएगा, अलग लेवल मज़ा आ जाएगा। ओ भाई साहब गाड़ी गया यार, मैं पूरा कार को ख़त्म कर दिया यार, नाइट में क्या चल रहा है कार, पागलों जैसा चला रहा हूँ मैं, 400 टच कर जाए, बस 400 टच कर जाए मैं मान जाऊँगा यार, मज़ा आ जाएगा। चलो इससे इंटीरियर में चलाते हैं, अब क्या इंटीरियर लग रहा है, तो यहाँ पर फुल स्पीड में चलाएंगे, इंटीरियर में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, इंटीरियर में कैसे बंदा चलाता है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा इंटीरियर में, कुछ दिख भी नहीं रहा सही से, 400 के स्पीड में इंटीरियर में चला रहे हैं और एक ड्रिफ्ट मारे, गाड़ी पलटा, आई थिंक से पलटा ना, बच गए, इंटीरियर लुक भी काफ़ी सही है, टेर्जो का भी लुक सही लगता है यार, टेर्जो भी लेंगे, ठूक गया यार, ठूका, ओ अच्छा यहाँ पर ठूका, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर गाइस प्लेन है, प्लेन चलाते हैं वही करके, पर मेरे को चलाने नहीं आता इस गेम में, मैं काफ़ी शानदार ड्रिफ्ट मार रहा हूँ। ओ भाई क्या कार चल रहा है, मैं 400 का स्पीड देखना चाहता हूँ, एक बार 400 का स्पीड आ जाए मज़ा आ जाएगा, मेरे को एक बार 400 का स्पीड चाहिए यार, 340 50 तो पार चला जा रहा है, 350 पार कर जा रहा है, ओ ख़त्म यार, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, रुको।
सो फाइनली अपना पावर आ चुका है ये लैम्बो, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, इसको हम बाद में गाइस रिपेयरिंग में दे देंगे। तो हम लोग चलते हैं वापस से गाइस माइकल के घर, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास एज यूजुअल गाइस गैरेज है नहीं, तो इसे हम गैरेज में तो रख सकते नहीं है, और फ्रैंकलिन के घर के बगल वाले गैरेज में तो उसको ना ही रख सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गाड़ी चोरी होते हैं और वो कार में नहीं रख सकते गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फटाफट से चलते हैं गाइस माइकल के घर में। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर माइकल के घर, और माइकल को मैंने बुला लिया, फ्रैंकलिन जा चुका है अपना घर। तो गाइस यहाँ पर देख लो माइकल के पास अभी एक पैसा नहीं है, ऊपर से डेब्ट में डूबा हुआ है गाइस, कर्ज में डूबा हुआ है। आई डोंट नो गाइस ये कहाँ से चुराएगा पैसा, आई मीन पैसा कहाँ से चुकाएगा। तो इसे आई थिंक गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसके पास और कोई उपाय नहीं है, अबे पैसा तो इसे देना पड़ेगा नहीं तो इसका घर फिर गाइस डेंजर में आ जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लेक्स्टर के पास चलते हैं और उससे गाइस देखते कोई मिशन विशन करते हैं तो। और गाइस एक नेक्स्ट एपिसोड में यार गैरेज लेना पड़ेगा, गैरेज का काफ़ी ज़्यादा देर होता है, बार बार मैं माइकल के घर में आके स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या चाहिए इसको, इसको जो भी चाहिए भाई पैसा चाहिए, $50। कैसा है यार, कैसे बेटी है यार, ऐसे ही पप्पा जी के पास पैसा नहीं है, माइकल के पास पैसा नहीं है, $500 बचा है, ऊपर से इसने $50 ले लिया, गरीबी गरीब। चलो कोई ना गाइस, तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ गाइस मेरे को पता है, क्योंकि यार आज के एपिसोड में कुछ मिशन करने का था नहीं। मैंने सोचा कि फ्रैंकलिन को गाइस जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था फ्रैंकलिन को गिफ्ट देना है, तो हमने फ्रैंकलिन को दिया, फ्रैंकलिन भैया अपना काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं। तो यहाँ पर वाइफ सो रही है गाइस माइकल का, तो हम लोग भी यहाँ पर फटाफट से सो जाते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मिशन करेंगे, लेक्चर के पास जाएंगे और एक गाइस कोई बड़ा हाथ मारने वाले है गाइस माइकल। तो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो नेक्स्ट एपिसोड को गाइस मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पर नहीं आए तो एक बार सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, छोटा सा सपोर्ट दिखा दो। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।